ये देखें ये कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे चिक्कू लगे हुए हैं हमारे प्रेस क्लब में। बहुत सारे दरख्त फलदार हैं, जैसे ये नींबू। इसमें अभी नींबू नहीं है मगर आएंगे। यहाँ भी है नींबू। ये शरीफे का दरख्त है, केपीसी को हम लोग अपना दूसरा घर कहते हैं। हम लोग हर वक्त ऑफिस में होते हैं या उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो ये जो जगह है ये बिल्कुल सेंट्रल है ना, सेंट्रल लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम यहाँ आ जाएं और अगर खाने का टाइम है तो खाना खा लें, चाय का टाइम है तो चाय मंगवा लें, स्नैक्स मंगा लें। और मेम्बर्स वगैरह जो हैं उनसे भी काफ़ी यहाँ पर जान पहचान दोस्ती, जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स के हैं। और मैं जब, जैसा कि आपको पता है मैंने सिर्फ डॉन में नौकरी की है और काफ़ी छोटी थी जब डॉन में ही आ गई, और जब सबसे अच्छी जगह में आ गई तो अब और कहाँ जाऊँ। तो मैं ज़्यादा लोगों को ना, जर्नलिस्ट को, दूसरे इदारों के जो लोग हैं उनको मैं ज़्यादा जानती वगैरह नहीं थी। तो प्रेस क्लब वो जगह है जहाँ पर मैंने सबको जानना शुरू किया, दोस्त बनाए और मीडिया हाउसेस के लोगों को। और मेरी मेंबरशिप प्रेस क्लब में, डॉन में मेरी जॉब जो हुई थी वो 2001 में हुई थी, और प्रेस क्लब की मेंबर मैं 2002 में बन गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, क्योंकि शुरू शुरू से ही मैं मेंबर बन गई। और जब मैं मेंबर बनी थी तो यहाँ पे काफ़ी हमारे डॉन में भी इतने लोग थे जो, और भी इदारों में लोग जो थे वो बहुत वेट करते थे, कहते थे प्रेस क्लब की मेंबरशिप आराम से मिलती नहीं है। मेरी खुशकिस्मती कह लें कि मुझे तो फौरन मिल गई। मैं मुझे एक साल से थोड़ा ही ऊपर अरसा हुआ होगा कि हमारे डॉन के अंदर ही हमारे साथ वाले कैबिन में जो साहब थे वो, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेंबर बनना है प्रेस क्लब का। तो मैंने बोला कि सर मैं तो अभी डॉन ज्वाइन किया है, मैंने सुना बहुत लंबी वेट होती है। तो उन्होंने बोला कि आप लकी हैं, मेंबरशिप्स खुल गई हैं, और आपके डॉन में कितना आपको अर्सा हुआ है? मैंने बोला एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उस वक्त ये क्राइटेरिया था कि एक साल की आपने जॉब अगर की हुई है किसी मीडिया हाउस में, स्पेशली अगर वो न्यूज़पेपर है, तो आप, यू आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप। और उन्होंने मुझे फटाफट, खालिद रहमान साहब मरहूम वो थे, और वो उस वक्त साइटेक वर्ल्ड मैगज़ीन था जो जिसके वो एडिटर थे, और मैं बच्चों के मैगज़ीन में यंग वर्ल्ड में बैठी होती थी। तो मेरी तो बॉस जो थी यंग वर्ल्ड में रिजवाना नकवी, तो उनकी भी मेंबरशिप नहीं हुई थी, तो उन्होंने दो फॉर्म्स ला के दिए मुझे भी, रिजवाना को भी, और हमने फटाफट फॉर्म भरे और सिर्फ 700 या 750 रुपये देने थे, जिसके अंदर एक दो महीने की फ़ीस भी शामिल थी। प्रेस क्लब की फ़ीस उस वक्त महीने की 50 रुपये होती थी, तो वो उन्होंने फॉर्म्स भरे, हमने जाके सबमिट करा दिए। और सबीउद्दीन गौसी साहब प्रेसिडेंट थे प्रेस क्लब के, तो उन्होंने कहा कि हाँ वेरी गुड, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, इस वक्त तो हमारा क्राइटेरिया एक साल का ही है, एंड यू हैव कम्प्लीटेड एन ईयर, सो इट्स ग्रेट। और हाँ, मेरी जो बॉस थी बेचारी वो शायद 6-7 साल से इंतज़ार कर रही थी, पर मेरी मेंबरशिप हो गई। और मैं इतनी नालायक थी कि जब वो एक दो महीने की जब फीस इसके अंदर जो थी इंक्लूडेड थी, वो जब टाइम गुजरा तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे दोबारा फ़ीस देनी है। और फिर सबीउद्दीन गौसी साहब ने अपनी जेब से, ताकि नए नए मेंबर्स की मेंबरशिप अभी हुई है ख़त्म ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे भरे और फिर आके बोला कि आप लोगों को हर महीने बाकायदगी से फ़ीस देना है, और बेहतर होगा इतनी कम मेंबरशिप फ़ीस है 50 रुपये महीने के, कि अगर आप एडवांस में दे दें तो और अच्छा है। अच्छा, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये ऊपर ये जो टेरेस है इस पर काम हो रहा है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें मेरी तरह। अच्छा, तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार इससे पहले कि मैं भूलूँ एडवांस में दे देती हूँ, तो मैंने कोई 600 रुपये हर साल दे देती थी कि पूरे महीने की, पूरे साल की फ़ीस हो जाए 50-50 हर महीने के। फिर
फिर कुछ अरसे बाद ही प्रेस क्लब की फीस बढ़ गई, इट बिकेम 100 rupees अ मंथ, तो मैंने 1200 rupees देना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं प्रेस क्लब आती थी, यहाँ का खाना बहुत बहुत अच्छा होता है, घर के खाने की तरह होता है, मिर्चें नहीं होती हैं और मुझे आदत है हर खाने के साथ मिर्चें नहीं अच्छी लगती, तो मैं बच्चों की तरह दही मंगाती हूँ, तो यहाँ पे दही भी बिल्कुल अच्छी मिलती है, हर चीज़ सैलेड होता है, बहुत अच्छा खाना होता है वॉट एवर, और मज़ा आता है। और हम लोग जो थे जब यहाँ आते थे तो फिर और मीडिया हाउसेस के लोग वगैरह होते थे, उनसे दोस्तियाँ हो गई, और फिर एक दिन काफ़ी साल गुजर गए, मैं भी डॉन में रैंक्स में ऊपर आती गई, रिपोर्टर बन गई, मैगजीन्स वगैरह इसके बारे में और बताऊंगी कि मैगजीन से कैसे मैं रिपोर्टर बनी और ये सारी चीज़ें। अभी हम प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक टू द प्रेस क्लब। तो एक कोई प्रोग्राम था जो मैं कवर कर रही थी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि प्रेस क्लब के इस साल के प्रेसिडेंट कौन है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सबीदिन वासी को जानती थी जिन्होंने मुझे मेंबर बनाया था, क्योंकि वो डॉन में भी थे और बिजनेस रिपोर्टर थे हमारे। तो ऐसा हुआ कि किसी प्रोग्राम को मैं कवर कर रही थी तो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये आजकल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और उनका नाम सिराज साहब है, ये प्रेसिडेंट है। तो उनसे ऐसे ही हेलो हाय हुई और दोस्ती कुछ ज़्यादा इस तरह से उनसे नहीं, उनकी बेगम से हो गई, क्योंकि उनका नाम भी शाजिया था, तो अच्छी बातचीत चली। तो पता नहीं सिराज साहब को कुछ ख्याल आया जो उन्होंने मुझसे नहीं शेयर किया, मेरे कोलीग से शेयर किया कि ये लड़की प्रेस क्लब के इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ती, काफ़ी सीनियर मेंबर है। तो मेरे कोलीग मुझे जानते थे, हसन मंसूर मरहूम साहब कहते हुए भी अजीब लग रहा है, मैं तो उसे भाई कहती थी हसन मंसूर को, राखी बांधा करती थी, तो उसको मेरे मिजाज का पता था, उन्होंने ख़ुद से ही कह दिया कि वो इतनी बिजी है, वो उसके पास टाइम नहीं होगा, और मुझे उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने पूछा था तो मैंने खुद ही मना कर दिया, आप फिक्र नहीं करो बच्चे, मैंने मना कर दिया था, थैंक यू। मगर सिराज साहब तो गिव अप ही नहीं कर रहे थे, सिराज साहब ने मुझे कॉल कर दिया कि ये क्या आपने कहा है कि आप बिज़ी हैं और क्या, तो नहीं आप सोचें इसके बारे में। तो बस सर मैं बिज़ी वाकई हूँ, मैं कैसे आऊँगी हर मीटिंग में, पता नहीं बहुत मीटिंग्स होती हैं, बहुत काम होता है। तो ही सेड लिसन आ जाओ, देखो इलेक्शन लड़ो, अभी तो दूर की बात है जीतना, अभी तो इलेक्शन लड़ो, और अगर जीत गई तो तुम मेंबर होगी गवर्निंग बॉडी की, साल में 12 या कुछ मीटिंग्स होती हैं, जैसे मैं तुम्हें गाइड करूँगा तुम सीखोगी भी, तो जो जो मैं कहूँगा वो करती रहना, इट्स नॉट, ही मेड इट साउंड वेरी सिंपल। एंड आई सेड ओके देन फाइन, अगर इतना आसान है तो नो प्रॉब्लम। और मैंने इलेक्शंस लड़े 2018 के साल के लिए, 2017 के दिसंबर में, हर साल विदाउट फेल दिसंबर के आखिरी सैटरडे को प्रेस क्लब के इलेक्शंस होते हैं, और मैं लड़ी और मैं जीत गई। और अजीब बात ये हुई कि सिराज साहब जो मुझे लेकर आए थे वो हार गए, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हो रहे थे उस साल, सेकंड ईयर था के लिए, एक साल कर चुके थे, और मैं तो पहुंच गई गवर्निंग बॉडी में, और वो बेचारे सिराज साहब जो हैं वो हार गए, और वो हमारे प्रेसिडेंट कोई और आ गए। तो बहुत अच्छे जो आए वो भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे यहीं प्रेस क्लब में मेरा कोई पेपर वर्क वगैरह था उसमें भी उन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प वगैरह की थी। सो अहमद मलिक साहब तो वो आ गए, और फिर जो सीखा अहमद मलिक साहब से भी सीखा, और उस साल जो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे मकसूद यूसुफी साहब, जिनकी मैं बहुत बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत डरती भी थी, क्योंकि वो जब लोगों को डांटते थे तो ऐसी की तैसी कर देते थे, और मुझे लगता था कभी ना कभी तो मुझे भी इनकी डांट पड़ेगी, मगर नहीं, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, मगर इतनी इज्जत दी है और मुझे बहुत मेरा ख्याल रखा है, चीज़ें समझाई हैं। और वो मेरा पहला साल था जो मैंने इलेक्शंस लड़े थे और जीत गई 2018 के साल के लिए, फिर 2019 में सेकंड फिर एक टर्म के लिए फिर लड़ी और फिर जीत गई, और उस साल मेरे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ फरहान साहब थे, और सेक्रेटरी जो हैं वो अरमान साबिर साहब हैं 2019 में। तो मेरा वो सेकंड टर्म था, क्योंकि प्रेस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 2 साल के बाद आप दोबारा से बार बार नहीं लड़ सकते ना,
तो 2 साल के बाद यू कैन नॉट रन इन एन इलेक्शन और फिर आपको ब्रेक देना पड़ेगा. तो बहुत अच्छा लगा. मैं प्रेसिडेंट इम्तियाज़ फ़रहान साहब के बारे में बता दूँ, बहुत ख्याल करते हैं. मुझे थोड़ी मैं शाइनेस है, मुझे मैं आगे नहीं आती तस्वीरों में, मैं पीछे रहती हूँ. और वो हर जगह आवाज़ देते, शाजिया शाजिया इधर आओ आगे आओ, हर जगह उन्होंने मुझे आगे पुश दिए. और इतनी अच्छी मेरी यादें हैं ना. और उस साल मैंने प्रेस क्लब में शुरू किया क्योंकि मुझे इम्तियाज़ भाई ने कहा कि तुम जो प्लान करोगी, जो प्रोग्राम करोगी ख़वातीन के हवाले से कर लो, प्रेस क्लब जो है ना इसे ओन करेगा. तो मैंने मेहंदी लगाने का कंपटीशन प्रेस क्लब में शुरू कराया ना ईद से पहले. और ईद से पहले तो चांद रात के करीब ना, तो अच्छा हमने बोला कि चलो ब्यूटी पार्लर से ना बहुत लड़कियां वगैरह मंगा लेंगे, मेहंदी लगाएगी हमारे मेंबर्स की वाइफ्स सिस्टर्स बच्चों को, अच्छा हो जाएगा. अच्छा ऐन मौके पर पता चला कि नहीं कोई, अच्छा ये प्रेस क्लब जो है ना इसके बाहर ये ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ भी आ रही है. तो पता चला कि नहीं, आपको कोई भी पार्लर वाले जो हैं वो आपको अपनी लड़कियां नहीं देंगे क्योंकि उनकी अपनी कमाई होती है. फिर मुझे ख्याल आया कि हमारा जश्न आज़ादी का एक फेस्टिवल होता है, उसमें हम मेहंदी कंपटीशन करते हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स की बेटियां हैं जो जीत के भी जाती हैं. तो मैंने अनाउंसमेंट कराई कि वो लड़कियाँ जो हैं जो मेहंदी लगाती हैं अगर वो आ जाएँ. तो काफ़ी लड़कियाँ जो थी हमारी मेंबर्स की बेटियाँ आईं और उन्होंने दूसरे मेंबर्स को मेहंदी लगाई, बहुत प्यारी प्यारी बड़ी वो टैलेंटेड बच्चियाँ, और उन्होंने लगाई. और फिर हमने सब सारे को बाद में लिफाफा दिया ईदी का, जो इतना अच्छा था कि वो बहुत खुश खुश गए. फिर कोविड आ गया और वैसे भी 2020 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और कोविड की वजह से जो लड़की थी प्रेस क्लब में बिल्कुल मैं, और जो भी वो गवर्निंग बॉडी वगैरह थी बिल्कुल मैं बिल्कुल उनका साथ देती अगर वो ये कुछ करते, मगर कोविड की वजह से ज़्यादा प्रोग्राम्स ही नहीं हो पाए, लॉकडाउन भी चल रहा था. 2020 तो ऐसा गुजर गया, फिर 2021 भी कुछ मोर और लेस वैसा ही था. 2021 के अंदर वैसे मैंने फिर से मुझे लेकर आए एक साल के गैप के बाद इलेक्शंस के लिए, और मैं इनकार करने वाली थी, मगर जो उन्होंने पोजीशन दी उन्होंने बोला वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ लें. आई सेड ओके दैट वुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट लेट्स ट्राई. हार गई तो हार गई, कोई नहीं, बट मैं फिर जीत गई. और मेरे प्रेसिडेंट फासिल जमीली साहब थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, और मेरे जो सेक्रेटरी जनरल थे वो जो है रिजवान भट्टी साहब हैं, जिन्होंने प्रेस क्लब में इतना काम किया, इतना काम. फासिल जमीली वॉज देयर द प्रेसिडेंट फॉर गेटिंग अस द फंड्स. उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से हमारी फंडिंग जो 2.5 करोड़ की होती थी उन्होंने डबल करा दी, उन्होंने 5 करोड़ करा दी. वो फंडिंग ला रहे थे और रिजवान भट्टी ने दिन रात एक कर दिया, प्रेस क्लब को डेवलप किया है. इसीलिए जो आप देख रहे हैं जगह जगह जो प्लैक्स लगी हैं और उन पर मेरा नाम है, क्योंकि मैं उसी साल की गवर्निंग बॉडी पे भी थी. पहली वाली एक है जिसमें मेरे नाम की स्पेलिंग इसमें गलत है, वो यूसुफी साहब का टाइम था, मगर अब जो है पिछले 2 साल से मेरा नाम चप्पे चप्पे पे प्रेस क्लब के लगा हुआ. आई फील सो प्राउड और सब लोग मेरा, इतनी मुझे इज्जत मिलती है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ. चलें बहुत बात हो गई और डिस्टर्बेंस भी बहुत हो रहा है, और आपको बाद में बताऊँ. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी.